पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बच्चों को गोद लेना आसान नहीं रह गया, लिहाजा समय समय पर महिला और बाल विकास विभाग के अधीन चलने वाले स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड के पदाधिकारी बच्चों को गोद लेने संबंधी समस्याओं को खत्म कर बच्चों को आसानी से गोद देने का प्रयास करता रहा है। इसके लिए हर माह पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर गोद लेने में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसे आसान बनाने के लिए प्रयास किया गया। 18 वर्ष से कम बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को लेकर शनिवार को CWC मेंबर्स और पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें ऐसे बच्चों को लेकर जिनका कोई पालनहार नहीं है उसके लिए निसंतान दंपतियों को गोद लेने और पूरी की जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया में आने वाली समस्या के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिले में ये बैठक हर माह की जाती है, जिससे ऐसे बच्चों को गोद लेने वालों की समस्या को खत्म कर उन्हें नया जीवन देने की पहल की जाती है। इस बैठक में ऐसे कई मामले को रख कर उन्हें मानक के अनुसार प्रक्रिया से अवगत कराते हुए चर्चा की गई। यहां बताया गया कि बच्चों को गोद लेने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, उसके बाद ही बच्चों को मानक के अनुरूप गोद लेने वाले दंपत्ति को सौंपा जाएगा। इस दौरान आने वाले प्रक्रिया में हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। मेरा नाम विंसेंट राम है, मैं CWC मेंबर हूं। ये मासिक मीटिंग होती है यहां पर पुलिस लाइन में, जिसमें ASTU और जो बच्चों के साथ काम करती हैं उनके लिए जो है ये मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जो थाने के बाल अधिकारी होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका निर्धारण किया जाता है और जो भी परेशानी होती है उन्हें दूर करा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि बच्चों के लिए कैसे काम करना है। जो चाइल्ड लेबर होते हैं उसके लिए तो श्रम विभाग वाले छापे इत्यादि मारते हैं समय समय पर, फिर उन्हें हमारे CWC के सामने पेश किया जाता है कि उनका जो भी है वो सही जगह पे उन्हें भेजा जाता है। इंदर सिंह, CWC मेंबर हूँ मुरादाबाद में। ये 18 साल से कम के बच्चों के लिए हर महीने मंथली मीटिंग होती है, इसमें सभी विभागों से जो बच्चों पर काम करते हैं वो लोग सब आते हैं इसमें और अपने अपनी शिकायतें जो जिनको आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे उसके संबंध में रहती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे एक ही मंच पे दूर होने के लिए प्रकरण चलता है। देखिएगा, जो आप बता रहे हो कि गाड़ी से, ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने अभी नहीं आया हमारे न्यायपीठ के सामने कि कोई बच्चा गाड़ी साफ करता हुआ हो या कोई इस तरह का हो। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो वो संरक्षण वाले बच्चे आते हैं, जैसे किसी कोई माँ बाप से बिछड़ गया है या कहीं कोई ट्रेन से छूट गया है या बहुत इस तरह के बच्चे जिनको संरक्षण की ज़रूरत है वो हमारी कोर्ट में पेश होते हैं। उसको कोशिश करी जाती है, जो हमारे साथ संस्थाएं काम कर रही है उनके द्वारा मैसेज भिजवा के कि अब जल्दी से जल्दी माँ बाप को बच्चों को सुपुर्द किया जो है, काउंसलिंग कराई जाती है बच्चे की और माँ बाप की काउंसलिंग करी जाती है जो उचित होता है।